पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर पिछले साल की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने अपनी हवाई ताकत को और बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए भारत ने अमेरिका से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की खरीदारी करने का फैसला किया और $1.9 बिलियन की इस डील को अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी है। इससे भारत को अपने आर्म फोर्स को आधुनिक बनाने के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत और इसका विस्तार करने में काफी सहायता मिलेगी। अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बेचने के अपने दृढ़ संकल्प को अमेरिकी कांग्रेस को बता दिया है। पूरे सिस्टम की लागत $1.867 बिलियन होगी। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारत नई तकनीक का इस्तेमाल अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए करना चाहता है और हवाई हमले के खतरे से बचने के लिए अपनी मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली का विस्तार करना चाहता है। डिफेंस डील की यह खबर ऐसे समय में आई है जब हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से कहा था कि वो एयर डिफेंस कमांड के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करें। जनरल रावत ने इसके लिए 30 जून की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी के बीच भारत की 2 दिनों की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। इसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भी शामिल है। संसद को दी गई सूचना के अनुसार भारत ने अमेरिका से कहा था कि वो IADWS खरीदना चाहता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डील के अनुसार भारत किन किन हथियारों को खरीदने जा रहा है। 5AN MPQ-64FI सेनिटेल रडार प्रणाली, 118 AMRAAM AIM-120C7C8 मिसाइलें, 3 AMRAAM गाइडेंस सेक्शन, 4 AMRAAM कंट्रोल सेक्शन, 134 स्ट्रिंगर FIM-92L मिसाइलें। इस डील की खास बात यह रहेगी कि इस डिफेंस सिस्टम में आमरम मिसाइल भी शामिल है। ये आमरम अमेरिकी मिसाइलें उस किस्म की हैं जो मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार कर सकती है। फिलहाल इस डिफेंस डील से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे और दोनों देशों के विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग में भी काफी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।